थरूर वर्सेस गहलोत की रेस में कौन संभालेगा कांग्रेस की कमान, जानेंगे सारी डिटेल्स हमारी इस वीडियो में। 20 साल के बाद कांग्रेस को इस बार शायद एक नॉन गांधी प्रेसिडेंट देखने को मिल सकता है, जहां पूरी रेस में राजनीति के दो वरिष्ठ खिलाड़ी शशि थरूर और अशोक गहलोत शामिल हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि ये इलेक्शन को कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है और इस पे पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। इस पोस्ट के लिए नॉमिनेशन 3 दिन में शुरू होने वाला है। गुलाम नबी आजाद के रेजिग्नेशन के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल सामने आए थे, जिसके बाद पार्टी टूटती और बिखरती नजर आई। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद से ही पार्टी में काफी हलचल है, जहां कई कार्यकर्ता राहुल गांधी को प्रेसिडेंट के तौर पर दोबारा देखना चाहते हैं और कईयों का मानना है कि ऐसा हो भी सकता है और शायद भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का एक प्लान है। भले ही राहुल गांधी ने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया, पर अशोक गहलोत और शशि थरूर की दावेदारी मान लो कन्फर्म ही है। कुछ दिन पहले शशि थरूर ने अपनी दावेदारी जाहिर भी की थी और वो सोनिया गांधी के करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक भी माने जाते हैं और अक्सर अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियों में भी रहते हैं। और दूसरे कैंडिडेट हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। ये हमेशा से ही गांधी परिवार के समर्थक रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी दोबारा प्रेसिडेंट बने। इसी बीच शायद उनका ये समर्थन उन्हें इलेक्शन जिता भी सकता है। कांग्रेस पार्टी स्टेट इलेक्शंस में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसका मुख्य कारण लीडरशिप में कमी को बताया गया, जिसकी वजह से पार्टी एकजुट नहीं बिखरी हुई नजर आती है। इसलिए सबकी नजर इस इलेक्शन पे टिकी हुई है, क्योंकि शायद ये एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के भविष्य के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।